तो फाइनली दर्शन हो चुके हैं तुंगनाथ बाबा जी के, ये रहा मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ के, दरवाजे जो हैं वो बंद हो जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तब यही तीसरा मठ बसता है जहाँ पर सारे लोग आते हैं। तो अपन भी लेट हो रहे हैं, विशाली की फोटोग्राफी चली हुई है, अभी विशाली की फोटोग्राफी जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक विशाली नहीं हिलेगी। तो ये फोटोग्राफी चली हुई है मस्त, ये देखिए जैसे केदारनाथ का मंदिर है वैसे मंदिर है यहाँ पर ये दर्शन का, और केदारनाथ के पीछे जैसा पत्थर था वैसे ही पत्थर है यहाँ पर बहुत बड़ा सा। और ये कुछ व्यू है, अभी बहुत हाइट पे जाना है और ठंड पड़ने लग गई है यहाँ पर। यहाँ से हमारा जाना तो नहीं हुआ चंद्रशिला, क्योंकि वेदर भी सारा ढक चुका है, सूरज और पीछे सनसेट देखो पूरा वेदर बिगड़ चुका है, इधर धूप है लगी मत मारो साइड। तो अभी चलते हैं नीचे सीधा, डायरेक्ट मिलते हैं आपसे। हेलो गाइस, बहुत सारे आ चुके हैं, और ये चोपटा का सनसेट देखो भाई वहां हो रहा है कुछ ऐसा रास्ता। हाँ चलते चलते मिलेंगे रास्ते में, हाँ हो रहा है। तो ये रहा बाबा जी का टेम्पल, इंजॉय करते हैं, और कुछ ऐसा है वेदर है, ठंड तो बहुत है अभी ज़्यादा हो रही है, दिन में बहुत धूप थी लेकिन अभी वेदर ठीक है, अभी थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया है, जब तक मतलब अंधेरा होने लगेगा ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके होंगे, मैक्सिमम एरिया हम कवर कर लेंगे उस टाइम तक। बस बर्फ़ का थोड़ी दिक्कत है, वो देखो सामने आपको नीचे दिख रही होगी धुंध चढ़ रही है ऊपर, बहुत धुंध चढ़ रही है ऊपर, यहाँ धुंध पड़नी शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, और पीछे सनसेट हो रहा है मस्त वाला। तो विचार बन रहा है आज चौपटा में ही स्टे करेंगे, क्योंकि वापिस तो जा नहीं सकते हैं, रास्ता बहुत ख़राब है आने का, और बर्फ़ भी पड़ी हुई है, तो ऐसे ही रास्ते में ट्रैवल तो नहीं कर पाएंगे आज का दिन, अभी ट्रैवल करेंगे हम कल के दिन में, देखते हैं क्या बनता है फिर। सनसेट देखो यहाँ का क्या खूबसूरत है, व्यू देखो, धुंध पड़ रही है, वेदर खराब हो रहा है, बर्फ पड़ सकती है अच्छी बात नहीं है, और बर्फ पड़ी तो हम कल भी फंस जाएंगे। हो मेरा भोला है भंडारिया जटाधारी अमली, तो ऐसा कुछ भी हुआ है। पीछे मुड़ के तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज 3 तारीख है, अभी की शुरुआत हो चुकी है हमारी, उठे हैं फ्रेश फ्रुश हुए हैं, और एक बात बताऊं असली कीमत का पता पानी और बिजली की यहाँ आके पता लगा, हमें सिर्फ 2 मग्गे मिले थे 4 बंदों के लिए 6 बंदों के लिए सिर्फ 2 मग्गे मिले थे गर्म पानी के, किसी में तुम लोगों ने मुंह मां जो तुमने धोना है वो धो लियो, तो हमने ब्रश फ्रुश किया, थोड़े बहुत छिंटे मारे मुँह पे, निकलने की तैयारी कर रहे हैं, और टेम्परेचर -2 से भी नीचे चला गया था, अभी भी वैसा ही है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, और अभी निकलते हैं, पैकिंग वुकिंग सारी कर ली हमने, बस अब निकलना है सीधा नीचे, कुछ खाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं और सीधा निकलेंगे आज के लिए हम ऋषिकेश या हरिद्वार के लिए, अगर टाइम बचा तो अपन सीधा घर निकल जाएंगे, अगर नहीं बचा तो अपन का आज का स्टे ऋषिकेश की साइड पर होगा। तो पैकिंग वगैरह सब कुछ हो गया, आप अपना ये सारा बैग पड़े हुए हैं वहाँ, बैग पड़े हुए हैं, तभी अपन सीधा निकलते हैं घर के लिए, चलते हैं। तो गाइज ये होटल है जहाँ पर हम सब ने खाना खुना खाया था, तुंगेश्वर होटल एंड रेस्टोरेंट, ये हमारे चाचा जी जो खाना बनाते हैं, हाँ बिल्कुल ताजा ताजा खाना मिलेगा आपको जब भी आओ आप, के गेट से जब एंट्री करोगे तो 50 मीटर 10 कदम ऊपर चल के इनकी दुकान है, बस ये सामने गेट रहा और यहीं पर इनकी दुकान है, तो जब भी आप विजिट करेंगे जरूर आइए यहाँ पर, कोई भी होम स्टे चाहिए आपको, खाना चाहिए, जब मर्जी चाहिए चाचू जी को, आप डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ चाचू एड्रेस बता दो, होम स्टे का नाम है श्री सुजान सिंह राणा का होटल के नाम से, तुंगेश्वर होटल के नाम से चलाते हैं, वहाँ पे होम स्टे किया करूंगा, अभी तैयारी हो रही फुल, आप लोगों का सौभाग्य है आप लोग भी
आ सकते हैं वहाँ पर, आ सकते हैं आप, बिल्कुल धन्यवाद। जो भी इनका एड्रेस वगैरह होगा, नंबर वगैरह होगा, वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जब भी आएंगे आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। यहीं पर इनका बिल्कुल ताजा खाना मिलता है। हम यात्रा करने गए थे तो यात्रा से पहले हमने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया कि चाचू शाम के लिए ये बना के रखना, तो बढ़िया चाचू ने भात राजमा वगैरह सब कुछ बना के रखा, सवेरे परांठे वगैरह चाय वगैरह जो भी होता है वो हर चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो आराम से आप यहाँ पर आ सकते हैं, जब भी विजिट करना हो करें, इनसे फॉलोअप ले लीजिए, ये आपको बढ़िया होम स्टे दिला देंगे, आपको जो है बढ़िया खाना खुना जो भी होगा आपका हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी आपको। बाइकों की हालत देखो जरा, सुबह ये हाल था। मेरा दिखा भाई ब्लॉग, मेरा नाम भी आना चाहिए। तो हटो ना साइड पे, नीचे बर्फ ही बर्फ है। और ये रावत जी हमारे, ये अपनी रानी का हाल है, ये अपनी धन्नो का हाल है। तो अभी गर्म गुरम करते हैं इनको, फिर निकलते हैं अपन आराम से। बाइक गर्म करने आएंगे। तो फाइनली एंटर हो चुके हैं हम लोग, अभी मंदिर जा रहे हैं नीचे, बाकी सारे चले गए नीचे, मैं और आशुतोष जा रहे हैं अभी। ये कहाँ है तू? ये मेरे को जगह वैसे नहीं पता। हाँ मेरे को भी पता नहीं है, ये रावत को पता अच्छी तरह, रावत बता रहा था हमें। बड़ी बार देखी है हमने वैसे, ऑलमोस्ट इसमें टीवीज वगैरह में आती रहती है, तो वहाँ पर देखते रहते हैं हम लोग। हाँ यूट्यूब पे भी बड़ी देखी है वैसे, प्लेस अच्छा है। तो फाइनली जब वापस जा रहे थे तो हमने सोचा चलो एक बार जाइए आते हैं, दिखाते हैं कैसा रहता है सफर यहाँ का। हिमाचली टॉपिस मिलती हैं यहाँ पे, ये गुरुजी पाएंगे अब हमारे हिमाचली टोपी। हाँ आसमान खुल गया। आए एक गढ़वाल सवा लग रहे हैं पूरी तरीके से यहाँ पे। तो जूते वगैरह उतार के अभी हम चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने के बाद अभी अपन आगे बाहर, यहाँ का व्यू देखोगे ना बड़ा प्यारा है। और ये रहा पीछे मंदिर, यहाँ पे मंदिर है, पुल हिल रहा है। तो अभी थोड़ी सी ब्रेक लेने के लिए यहाँ रुके हैं, ब्रेक तो नहीं, हमारी जो बुलेट है वहाँ पर रावत के पास, उसके ब्रेक शू जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, तो ब्रेक नहीं लग रही उसकी, तो अभी ये ठीक ठूक करवा रहे हैं, ठीक ठूक करवाते हैं फिर दोबारा से निकलते हैं। तो अभी हम लोग आगे पहुँचे हैं देवप्रयाग में, जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है, आप नीचे देख रहे हो दोनों नदियाँ मिला के जो है गंगा नदी बनाते हैं आगे। ये कुछ इस तरह का रास्ता है, ये दो नदियां हैं, डिफरेंट डिफरेंट दोनों नदियां हैं जो आपस में यहां पर आके मिलती हैं, यहां पर आके आपस में मिलती हैं। और ये कुछ ऐसी लोकेशन है यहां पर, भागीरथी अलग दोनों मिल रही हैं। भागीरथी कौन सी है? ये वाली भागीरथी तो अलग नंदा है, ये वाली भागीरथी है जो इस तरफ से आ रही है, ये वाली, ये भागीरथी है वो सामने अलकनंदा है, दोनों मिलकर एक गंगा नदी बना रहे हैं। तो फाइनली एक लंबे सफर के बाद अभी हम चौपटा से सीधा यहीं आके रुके हैं ऋषिकेश में आज का दिन, क्योंकि आगे अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया और आगे का रास्ता बहुत ख़राब है रात का, तो हम उसमें सफ़र नहीं करेंगे आज का दिन। अभी जो हम सफ़र करेंगे, ये देखो ये कारनामे होते हैं, चाबी यहीं रहने दी है, लगाई नहीं है। तो अभी नहाऊंगा, थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करते हैं, सोते हैं, बाहर जा नहीं पाए क्योंकि ऐसा कुछ बताने में आया कि उत्तराखंड में जो है लॉकडाउन लग जाता है, तो पता नहीं। चलो अभी सोते हैं, थोड़ा इंजॉय इंजॉय करके गपशप मार के सोते हैं, कल मिलेंगे आपसे रास्ते में, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तीन दिन हो गया आज, हम तीन दिन से हम सोए नहीं हैं, तीन दिन से लगातार सुबह 4 बजे उठ रहे हैं और रात को कम से कम भी 12 बजे के आसपास जो है हम सो रहे हैं सारे। तो अभी मेरे को सिर्फ सोना है, सुबह 4 बजे उठ के चंडीगढ़ के लिए निकलना है। ट्रैवल है हमारा वो ऑलमोस्ट भी अगर मैं बताऊँ तो 1200 किलोमीटर के लगभग हो चुका है। और चलो अभी के लिए तो सोते हैं, सुबह मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास। तो गुड नाइट गाइस, हैव अ ग्रेट डे।